यार ये बिग फोर में ना कुछ सिखाते विखाते नहीं है, तुम्हें एक फील्ड में डाल देंगे और तुम्हें बस उसी का एक्सपीरियंस मिलेगा, तुम्हें और किसी फील्ड की जानकारी मिलेगी ही नहीं, करियर बर्बाद हो जाएगा। ऐसा ही कुछ मुझे बोला था उन लोगों ने जिन लोगों ने सुना कि मेरा सिलेक्शन बिग फोर में आर्टिकलशिप के लिए हो गया है। ऑब्वियसली गाइस, जब भी आप ट्रेनिंग ढूंढते हो यू चूज द बेस्ट फॉर योरसेल्फ। यही मैंने किया, मैंने बिग फोर्स में ट्रेनिंग करने का फैसला किया आफ्टर कंप्लीटिंग माय इंटरमीडिएट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, और मुझे मिले मिक्स्ड रिव्यूज। कुछ लोगों ने कहा यस दिस इज द बेस्ट डिसीजन एवर ऑफ योर लाइफ, एंड कुछ लोगों ने कहा बिल्कुल बेकार डिसीजन है, बिग फोर से एक्सपीरियंस आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा जो आपको एक नॉन बिग फोर फर्म दे सकती है। हेलो एंड वेलकम गाइज, आई एम CSCSCM में निखिल गुप्ता, एंड आज की इस वीडियो का टॉपिक है आर्टिकलशिप कहां से करनी चाहिए, बिग फोर्स या नॉन बिग फोर्स, एंड फॉर दैट मैटर बिग MNCs, बिग फर्म्स और नॉट सो बिग फर्म्स। जी हाँ, अब बड़ी बड़ी फर्म्स सिर्फ बिग फोर में सीमित नहीं है, बिग सिक्स हो गया है, कोई कहता है बिग एट, सो ऑल इंक्लूसिव हमें आर्टिकलशिप वहां से करनी चाहिए या करनी चाहिए फ्रॉम अ नॉन बिग कंपनी, दैट इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे। So yes, जैसा कि मैंने आपको बताया मुझे बहुत डीमोटिवेट किया गया था जब मेरा सिलेक्शन हुआ एक बिग फोर में फॉर कंप्लीटिंग माय आर्टिकलशिप। एट दैट पॉइंट इन टाइम आई स्टिक टू माय डिसीजन ऑफ व्हाट ऑफ डूइंग माय आर्टिकलशिप फ्रॉम अ बिग फोर। ऑफ कोर्स इट्स अ ड्रीम फॉर एवरी पर्सन टू हैविंग बीन सिलेक्टेड फॉर अ बिग फोर फॉर आर्टिकलशिप। ये सपना मैं कैसे छोड़ देता, और जी हाँ इसके जबरदस्त रिजल्ट्स मुझे देखने को मिले। So in this video, we are going to discuss top 5 reasons why you should do your articleship from a big firm. And please, I am not undermining the importance of the non-big firms or the other CA firms. Unka bhi role hamare career ko shape karne mein equally good hai. The objective of this video is to introduce you to the benefits of joining a big four. So big four ne jo mujhe diya, big four ne jo mere career ko kick start kiya, बिग फोर से जो बेनिफिट्स मैंने उठाए उन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। बेनिफिट नंबर वन, यू गेट अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। कहा जाता है योर वाइब इज योर ट्राइब, तो जैसा आपका परिवेश होगा वैसे ही आप ग्रो करोगे। मुझे कैटेगोरिकली एक चीज याद है, मैंने जब 12th क्लियर करी और बाय चांस 92% मार्क्स आ गए। बाय चांस इसलिए बोलूंगा क्योंकि मैं इतना ब्राइट स्टूडेंट नहीं था, बोर्ड प्री बोर्ड्स फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में इतने ज्यादा मार्क्स नहीं आए थे। लकीली या फिर मेरे हार्डवर्क की वजह से ड्यूरिंग दोज एंड टू मंथ्स आई हैव स्कोर्ड वेल इन माय एग्जामिनेशन, आई जॉइंड वन ऑफ द बिगेस्ट कॉलेजेस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। व्हाट बेनिफिट डिड आई ड्राइव व्हाइल जॉइनिंग दैट पर्टिकुलर कॉलेज? द बेनिफिट वॉज कंट्री के जो ब्रिलियंट माइंड्स थे उनका कॉन्ग्लोमोरेशन था वो कॉलेज। एज अ रिजल्ट मेरी भी सोच ऊंची हो गई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सीए जैसा डिफिकल्ट कोर्स ऑप्ट करूंगा, बट नहीं, उस एनवायरमेंट में मैं फोर्स किया गया या मुझे फोर्सली अपने गोल्स को बढ़ाना पड़ा, अपनी मेहनत को बढ़ाना पड़ा टू चूज सीए एज माय प्रोफेशन। सिमिलरली जब आप एक बिग फोर ज्वाइन करते हैं तो उसके अंदर इंडिया के बेस्ट माइंड्स आके मिलते हैं, यू गेट द बेस्ट एनवायरमेंट। आपके जो सीनियर्स होते हैं, आपके जो जूनियर्स होते हैं, आपके जो कॉलीग्स होते हैं, पीयर्स होते हैं, दे आर द बेस्ट माइंड्स इन द इंडस्ट्री, एंड व्हेन दे कॉन्ग्लोमरेट it makes a huge impact on you. So the very first reason why you should join a big four organization for articleship is they give a perfect environment for your growth and survival. The second benefit which you will derive while joining the big four is super specialization. To ji ha, aajkal jab bhi aapko koi bimari hoti hai, kya aap ek general physician ke paas jana prefer karte hain ya us area ke specialist ke paas jana prefer karte hain? Ji ha, aap us area ke specialist ke paas jana prefer karte hain. To ये बात भी सच है कि आपको और किसी फील्ड का अप्रोप्रिएट एक्सपोजर नहीं मिलता। जैसे कि अगर आपने ऑडिट ज्वाइन किया तो आप ऑडिट ही करते रहेंगे 3 साल, या आपने टैक्स ज्वाइन किया तो आप टैक्स में ही इन्वॉल्व रहेंगे 3 साल, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन आजकल जमाना ही सुपर स्पेशलाइजेशन का, यू हैव टू बी सुपर स्पेशलाइज इन वन ऑफ द एरियाज, एंड इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता अगर आप अपने करियर के स्टार्टिंग से ही आप किसी एक फील्ड में सुपर स्पेशलाइज करें और आपकी नॉलेज और बच्चों के नॉलेज से थोड़ी सी ऊपर हो जाए। So second benefit that Big Four is going to give you is super specialization in the area which you will choose. And jee haan, kaun sa area choose karna chahiye? Audit, tax, advisory, is pe main ek
अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये डिसीजन लेते हुए कि ऑडिट टैक्स एडवाइजरी में से कौन सा एरिया चूज करना चाहिए फॉर आर्टिकलशिप। ऑफ कोर्स आपको हो सकता है ऑप्शन ना मिले, आपका सिलेक्शन ही एक जगह हो, लेकिन अगर आपको ऑप्शन मिला तो कौन सा चूज करना चाहिए, आई विल डेफिनेटली क्रिएट अ सेपरेट वीडियो फॉर इट। बेनिफिट नंबर 3 एंड मोस्ट एक्साइटिंग एंड मोस्ट रिवॉर्डिंग बेनिफिट, बिग फोर हेल्प्स यू डेवलप अ वाइड वैरायटी ऑफ स्किल सेट। तो जी हाँ, एक छोटी सी बात, ईमेल राइटिंग स्किल्स। अब आप बोलोगे सर मेरी ना इंग्लिश बहुत अच्छी है, मेरी 12th में ना 94 मार्क्स आए थे इंग्लिश में, ठीक है, ऑल थ्रू आई हैव बीन अ स्कॉलर इन इंग्लिश, ठीक है, तो ईमेल राइटिंग स्किल्स ना मेरे ऑलरेडी अच्छे हैं। एब्सोल्युटली नॉट, लैंग्वेज स्किल्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईमेल राइटिंग स्किल्स। तो अगर आप एक बिग फोर ज्वाइन करते हो तो आपको ऐसे स्किल सेट बिग फोर देता है लाइक ईमेल राइटिंग स्किल्स, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, लाइक प्रेजेंटेशन स्किल्स, हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ, इवन अ थिंग एज स्मॉल एज हाउ टू डू अ हैंडशेक। अब आपको लगता होगा कि मैं तो बहुत अच्छा हैंडशेक कर सकता हूं, बट देयर आर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ डूइंग हैंडशेक्स। बिग फोर इज गोइंग टू ट्रेन यू, योर बॉडी, योर माइंड, योर सोल, योर एटीट्यूड, योर वर्ड्स, they're going to train you in the right manner and give you the skill set that will be beneficial for your entire career. And the fourth benefit is the brand value which the big fours create, the brand value which they contain. Yes, pure world mein KPMG, Deloitte, PricewaterhouseCoopers, EY ka bolbala hai, sab log jante hain ye big firms kaun si hain, and who doesn't want to get yourself attached with that brand, the brand of your choice. अरे भाई, कपड़ों तक में तो हम brand conscious होते हैं, हमें branded कपड़े ही चाहिए होते हैं, तो अपने career के लिए क्या हम best brand choose नहीं करेंगे? Of course yes. Big Four is going to give you a brand value that is second to none. आपको कभी recognition में problem आएगी नहीं अगर आपने articleship करी Big Four से, तो हाँ फिल्मी style में, Bollywood style में आप ये कह सकते हो नाम ही काफी। The fifth and the last benefit is overseas opportunities. क्या आपने कभी सपना देखा है लंदन में काम करने का, ऑस्ट्रेलिया में काम करने का, यूएस में काम करने का, overseas opportunities मिलने का? देखिए, मैं एक ऐसा पर्सन हूं जो कभी बाहर जाके सेटल नहीं होना चाहता था, बट आई लव ट्रैवलिंग, मुझे जाके वापस आना है। आपकी जो भी overseas aspirations हैं, बिग फोर उसे पूरा करेगी। There are short-term secondment opportunities, there are long-term shifting opportunities, and yes, एक बार ये brand value, एक बार ये brand name आपके साथ attach हो जाए, overseas will not be a difficult opportunity for you. So if you are someone who want to explore overseas opportunities as well, Big Four is going to give you a platform that will escalate your skills to the next level. और जी हाँ, Big Four कई बार overseas programs के साथ collaborate करके आपको fund करते हैं कि आप पढ़ सकते हैं और बाहर जा सकते हैं। For example, Deloitte might have a policy of funding your CPA examination. आप free of cost CPA पढ़ सकते हैं और बाहर जा सकते हैं। So, the fifth and one of the most important benefits that Big Four is going to give you is providing you adequate overseas opportunities. और जी हाँ, इतने सारे benefits के बाद, अब please मैं रिपीट कर रहा हूं, चकाचौंध मत हो जाइएगा, ये मत कहिएगा अरे बिग फोर में अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो मेरा करियर बर्बाद है। एब्सोल्युटली नॉट, देर आर गुड सीए फर्म्स, नॉन बिग फोर सीए फर्म्स हु आर गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स इन मार्केट। जी हाँ, उनका ब्रांड वैल्यू, उनकी ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज, उनकी स्किल सेट, वो भी ऑलमोस्ट इक्वलेंट है टू द बिग फोर्स। इन दिस वीडियो आई रिपीट, देर इज नो इंटेंशन फॉर मी टू अंडरमाइन द वैल्यू, टू अंडरमाइन द benefits which non-CA firm, non-Big Four CA firms give to the students. The only approach was, the only objective was to highlight मुझे Big Fours ने क्या दिया, and आप ये समझ ही गए होंगे, I'm a big fan of the Big Fours, especially उनकी articleship techniques, उनके articleship methodologies are second to none. So बिना हिचकिचाहट के, बिना tension के, अगर आपने crack कर लिया है Big Four का interview, अपने आपको बहुत lucky समझिए, अपने आपको बहुत talented समझिए, join the Big Four with your full vigor, फुल कॉन्फिडेंस, एंड हाँ, हार्ड वर्क तगड़ा करना पड़ेगा, दिन रात में फर्क नहीं करते। जी हाँ, अगर हार्ड वर्क का रिजल्ट हो एक अमेजिंग करियर, तो करने में क्या ही दिक्कत है। सो यस गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू शेयर विद योर सीए फ्रेंड्स, एंड यस, रेलेवेंट फॉर सीएमए एंड सीए स्टूडेंट्स एंड फॉर अदर फील्ड्स एज वेल। अगर आप चैनल पर नए हैं,
डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। एंड अगर आप कुछ और एलिमेंट्स बिग फोर के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ अंदरूनी बातें, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए आप क्या बातें जानना चाहते हैं, और मैं एक अलग वीडियो बना सकता हूँ ऑन द बिग फोर्स।